नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ साउथ इंडियन स्टाइल एग मसाला करी। इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मैं 6 अंडा ले रही हूँ, इसको उबाल के इसका छिलका निकाल के रखी हूँ, और 2 मीडियम साइज़ का अनियन बारीक कटा हुआ, 2 टमाटर प्यूरी बना कर रखी हूँ, और 1 टेबल स्पून टमाटर कैचअप, ये देखिए, और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 6 to 7 करी लीव्स, और 1 टी स्पून मस्टर्ड सीड्स, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, और तेल इधर में रिफाइन ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं प्रोसेस की तरफ। अभी हम क्या करेंगे, एग में एक एक कट कर देंगे। ऐसे कट करने से मसाला अच्छे से इसका अंदर तक आ जाएगा और ग्रेवी में भी एग का फ्लेवर चला जाएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हम लोग एक एक कटिंग कर लेंगे, देखिए इस तरह से। अभी एक में एक एक कट कर लेंगे। अभी हो गया है हमारा, ये लास्ट वाला है, इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अभी 1/2 टीस्पून हमें इसमें नमक डालेंगे और 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर डालेंगे, देखिए इस तरह से। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसको बहुत अच्छे से हम इसको, आप चाहे स्पून से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे हाथ का यूज़ कर रही हूँ, हाथ से कर रही हूँ। अच्छे से ऐसे ऐसे करके चारों साइड उसका लगा देंगे, देखिए इस तरह से। तो चलिए हम अभी गैस ऑन करेंगे, उसके ऊपर कढ़ाई रखेंगे। तो कढ़ाई को थोड़ा अच्छे से हम लोग हीट होने के लिए छोड़ देंगे, देखिए अभी हमारा कढ़ाई एकदम से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून ऑयल, देखिए, और अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अभी हम उसमें डालेंगे हमारा एग्स और इसको एकदम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। इस तरह से फ्राई करेंगे, जिस तरह से एक इसमें कोटिंग आ जाएगा, फ्राई करते रहना है और चलाते रहना है इसको, और गैस तब हमको मीडियम में रखना है, देखिए इस तरह से फ्राई करना है हमें एग्स को। हमारा एग्स का कितना सुंदर सा कलर आ गया है। अभी हम एक के बाद एक सब निकाल लेंगे प्लेट में, देखिए। और हमें वही सेम कढ़ाई में ही बनाना है करी, तो हमें सेम कढ़ाई में जो ऑयल है उससे और थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं सेम कढ़ाई में ही बनाऊंगी। तो कढ़ाई अभी थोड़ा सा मैं हाई की हूँ, थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसके बाद मैं डालूँगी इसमें 1 टीस्पून ऑयल, और ऑयल अच्छे से हीट हो गया है। अब मैं डालूँगी उसमें राई, देखिए, और हमारा जो राई है वो अच्छे से क्रैकल होना स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट हो गया है अभी। अभी मैं डालूंगी इसमें करी पत्ता, देखिए कितना अच्छे से हो रहा है। अभी करी पत्ता मैं डाल दी उसमें, अभी थोड़ा सा मैं इसे चलाऊंगी, उसके बाद मैं तुरंत डाल दूंगी इसमें अनियन, कटा हुआ अनियन, देखिए अनियन डाल के इसे अच्छे से चलाऊंगी, अच्छे से चलाऊंगी। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप अनियन को थोड़ा सा फ्राई कर रहे होते हैं तब ज़रा सा उसमें अगर नमक डाल देंगे तो जल्दी पक जाता है अनियन, तो मैं थोड़ा सा अभी नमक डाल दूँगी उसमें, ज़रा सा। और नमक हम लोग पहले भी डाले थे एग्स में, अभी भी डालें, तो करी में हम लोग को ज़रूरत नहीं है नमक डालने की। तो इस तरह से मैं इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करूँगी।
अभी हमारा अनियन एकदम से पक गया है, अब मैं डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट को डाल के थोड़ा अच्छे से हमें उसको फ्राई करना होगा, नहीं तो उसका कच्चा वाला स्मेल रह जाएगा करी में। बहुत अच्छे से हमें 5 मिनट तक उसे ऐसे ही चलाते रहना है। इस तरह से हमें एकदम से उसको चलाते रहना है। पाँच मिनट के बाद में ये हो जाएगा, तो 5 मिनट हमें ऐसे ही चलाते रहना है। अभी देखिए 5 मिनट हो चुका है, कितना अच्छा कलर आ गया है, हमारा जिंजर गार्लिक भी पक गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे क्योंकि हम पहले डाल चुके थे, अभी डालेंगे 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और उसको मिलाएंगे, थोड़ा सा मिलाएंगे। उसके बाद हम डालेंगे टमाटर प्यूरी और टमाटर प्यूरी को हमें बहुत अच्छे से पकाना है क्योंकि टमाटर का भी कच्चा स्मेल रह जाता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ग्रेवी में, तो इसको बहुत अच्छे से हमें पकाना होगा। देखिए इस तरह से, आप चाहे तो इसको कवर करके भी पका सकते हैं थोड़ा टाइम के लिए, लेकिन मैं इधर खुला छोड़ के ही पका रही हूँ। देखिए इस तरह से हमको पकाना है टमाटर को। देखिए हमारा मसाला से तेल निकल आया है, इसका मतलब है मसाला एकदम से पक गया है और कलर से भी पूरा एकदम रेड कलर हो गया है, बहुत अच्छा दिख रहा है दिखने में। तो हम लोग थोड़ा सा इसको चला के अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे हमारा गरम मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला हम लोग डालेंगे, ये देखिए, और इसको फिर से चलाएंगे। उसके बाद हम लोग डालेंगे हमारा जो टमाटर केचप हम 1 टेबल स्पून रखे थे उसको भी डाल देंगे इसमें और अच्छे से इसको मिला लेंगे। इस तरह से हम लोग इसको मिला लेंगे। देखिए अब हमारा पक गया है मसाला, अब डालेंगे इसमें एग्स। देखिए इस तरह से डाल के हम थोड़ा इसको ऐसे चलाएंगे एग्स को मसाले में, और मसाला जले नहीं इसलिए हम थोड़ा क्या करेंगे, 1/2 कप इसमें हम लोग वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने से मसाला जलेगा भी नहीं और अंडा वगैरह में अच्छे से उसका मसाला चला जाएगा। देखिए इस तरह से हम लोग मिलाएंगे। अब चाहे तो और ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं, करी बना सकते हैं, लेकिन मैं इधर बहुत ही सूखा ग्रेवी बना रही हूँ तो इसलिए मैं 1/2 कप ही पानी डाली हूँ। देखिए इस तरह से चलाते रहना है और थोड़ा टाइम के लिए हम लोग इसे चलाएंगे इस तरह से। और हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको थोड़ा सा 5 मिनट के लिए कवर कर लेंगे, मसाला भी अंदर तक चला जाएगा एग्स का इस तरह से। अभी हमारा 5 मिनट हो चुका है, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ग्रेवी हमारा और अंडा के साथ में एकदम मिल गया है, तो थोड़ा सा हमें इसे चलाना होगा। हो गया बस। चलो अब हम इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए बनकर के तैयार है हमारा एग मसाला, आप अपनों के साथ एंजॉय कीजिए और कैसा लगा मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।